इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। बैम्बू यानी बांस भारत के कई क्षेत्रों में पाया जाने वाला ऐसा पौधा है जिसके आर्थिक महत्व के कारण इसे हरा सोना भी कहते हैं। भारत में बैम्बू की लगभग 125 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अन्य पौधों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले बैम्बू के तने के साथ ही पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। बांस का उपयोग कागज, फर्नीचर और सजावट के उत्पाद बनाने के अलावा फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में भी होता है। बैम्बू शूट्स यानी बांस की कोपलों से सूप, सब्जियां और अचार बनाया जाता है। बैम्बू पिकल के मार्केट डिमांड की बात करें तो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स के अलावा इसकी मांग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी लगातार बनी रहती है। ड्राइड, कैंड, बॉइल्ड या फिर फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स को भारत के साथ साथ विदेशों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में बैम्बू का ग्लोबल मार्केट साइज लगभग 68.8 US डॉलर था और 2019 से 2025 तक इसमें 5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की उम्मीद है। निफ्टम की ये इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री बैम्बू पिकल पर आधारित है। रॉ मटेरियल। बैम्बू पिकल तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल में बैम्बू शूट्स, मस्टर्ड ऑयल, चिली पाउडर, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, स्पाइसेस, क्यूमिन पाउडर आदि का उपयोग होता है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। दिखाए गए वीडियो में अधिकतर प्रोसेस मैनुअली किया गया है। बैम्बू पिकल बनाने के लिए जनरल किचन टूल्स और इंडक्शन सीलिंग प्रेस का इस्तेमाल होता है। प्रोसेस। बैम्बू पिकल बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले बैम्बू शूट्स को मार्केट से प्रोक्योर करके इसे अच्छे से धोने के बाद इसकी स्किन को छील कर हटा दिया जाता है। इसके बाद इसे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद एक बड़े से कंटेनर में थोड़े से पानी में इसे 10 से 15 मिनट तक उबालकर इसकी बिटरनेस और अनवांटेड मैटर को खत्म किया जाता है। अगली प्रक्रिया में एक कंटेनर में बैम्बू शूट्स के टुकड़े और ब्राइन सॉल्यूशन को अच्छे से मिलाने के बाद इससे पानी को अलग कर दिया जाता है। अब इन बैम्बू शूट्स के टुकड़ों को गर्म तेल में लो फ्लेम पर फ्राई किया जाता है और सॉल्ट, स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर आदि मिक्स किया जाता है। इसके ठंडा होने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव्स और ऑयल मिलाकर इसे जार्स में पैक करने के बाद लेबलिंग करके सेलिंग के लिए मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है या फिर रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। बांस का अचार बनाने के लिए बैम्बू शूट्स को बाजार से खरीद कर धोने के बाद इसकी स्किन को हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद 10 से 15 मिनट तक उबालने के बाद इसमें नमक, मसाले, मिर्च आदि मिलाकर इसे गर्म तेल में फ्राई किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव्स और ऑयल मिलाकर जार्स में पैकिंग और लेबलिंग करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है या फिर रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है। मैनपावर। इस व्यवसाय में आपको लगभग 4 से 6 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बैम्बू पिकल के व्यवसाय को करीब 3 से 4 लाख की मशीन इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और इसके द्वारा लगभग 15% से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार बैम्बू पिकल मेकिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.3.43 पिकल्स का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों,
जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130228108 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योग की जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।